हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम बात करेंगे बोन हेल्थ के बारे में, क्योंकि बोन्स का प्रॉब्लम, हड्डियों का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसको देखो यही कहते सुनती हूँ मैं तो कि नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया डॉक्टर ने। क्यों होता है ये नी रिप्लेसमेंट, क्यों होता है ये इतना दर्द? किसी का कंधे में दर्द है, किसी के कोहनी में दर्द है, किसी के कहीं दर्द है, बैक एक का प्रॉब्लम तो हर किसी को है। तो ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, बात करते हैं, तो वो आप में कैल्शियम की कमी बता देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट दे देते हैं। लेकिन वो सप्लीमेंट्स जो है आपने खाए, एक बार खाए, आपने 10 दिन खाए हैं, 1 महीने के लिए शायद कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर से आप उसी कंडीशन में आ जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि जिससे ये जो कमी है, कैल्शियम की कमी हो या विटामिन डी की कमी हो, इसको कैसे हम मेंटेन करके रख सकें कि वो हमारे अंदर कमी आए ही नहीं, हमें जोड़ों का दर्द हो ही नहीं, और हम जो है अपने आप को फिट रख सकें, चाहे हम किसी भी एज ग्रुप में हैं। आज हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता चले आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, आप कैल्शियम को कैसे खाएं कि वो आपके किडनी में प्रॉब्लम ना करे, किडनी स्टोन का कारण ना बने, आप कैल्शियम कितनी लें, कैसे लें, कहां से लें, इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत काम की चीजें होती हैं। अगर हम प्रिकॉशंस लेते चलते रहे तो फिर हमें बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता, और जब बीमारियां नहीं होगी तो हम खुश रह सकते हैं, और खुश रहने के लिए इतना तो आप करेंगे ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस ऐसी चीजें जो सबके काम की उन्हें आगे आगे शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं कैल्शियम की, बात करते हैं हड्डियों की मजबूती की। हड्डियों की मजबूती के लिए नंबर वन पर कैल्शियम चाहिए, कोलेजन चाहिए, और इन दोनों को ठीक से सिंथेसाइज करने के लिए, कि हमारी बॉडी इनको ठीक से यूज कर सके, उसके लिए विटामिन डी चाहिए। अब विटामिन डी सब जानते हैं कि इसको सन विटामिन भी कहते हैं, इसको गोल्डन विटामिन भी कहते हैं, कि यह हमें सूरज से मिलता है, फ्री में मिलता है, कुछ एक फूड आइटम्स में भी मिलता है। तो कोशिश करें कि 15-20 मिनट आधा घंटा डेली सन एक्सपोजर आपका हो, लाइट कलर के कपड़े पहन के आप सन में जाएं, क्योंकि लाइट कलर से आपको जो विटामिन मिलना है वो मिल पाएगा, डार्क पहना तो आपको वो नहीं मिलेगा। और कोशिश करें कि कुछ पोर्शन आपके जो है वो डायरेक्ट सनलाइट ले पाए, मतलब कपड़ा नहीं हो उनके ऊपर। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैल्शियम की कमी हो गई है? कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत रखती है, दांतों को मजबूत रखती है। अगर इन दोनों में से कहीं भी प्रॉब्लम आई, यानी कि आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपको अर्थराइटस होना शुरू हो गया है, आपके दांत खराब होने शुरू हो गए, मतलब आपके अंदर कैल्शियम की कमी शुरू हो गई है। शुरू में अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये कैल्शियम जो है हमारी जो बॉडी के अंदर जितना भी कैल्शियम होता है उसका 90% बोन्स और टीथ में होता है, दांतों में होता है। तो शुरू में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको सिर्फ हड्डियों का प्रॉब्लम होगा और दांतों का प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तो और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? आपको हो सकता है स्किन का प्रॉब्लम, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और उसके अंदर बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम, सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। इसका मतलब कैल्शियम बहुत ज्यादा कम हो गया था, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपकी बॉडी आपकी बोन से वो कैल्शियम लेके अपना काम चला रही है और वो काम चलाते चलाते कैल्शियम इतना कम हो गया कि आपकी स्किन भी खराब हो गई। आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, हड्डियां जल्दी से ब्रिटल हो सकती है, मतलब जरा सी ठेस लगी नहीं कि टूट जाएंगी, उनमें फ्रैक्चर हो जाएगा। अर्थराइटस हो सकता है, आपके हाथ पांव में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो सकती है, आपके बैक एक हो सकता है, आप अपना काम ठीक से नहीं कर सकते हैं, या आपको थकान रहती है, कमजोरी रहती है, ये सारे ही सिम्टम्स हैं जिससे आपको पता चले कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, आपकी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो गई हैं। तो अगर इन सारी प्रॉब्लम से बचना है तो कोशिश ये करनी है कि अपने कैल्शियम को और विटामिन डी को पूरा रखें। तो आज मैं बात करूंगी आपके साथ कि ऐसे कौन से 5 चीजें हम खाएं जो आसानी से मिलती हैं, जो महंगी नहीं है, जिनके ऊपर खर्च नहीं कुछ करना पड़ता, वो हम खा के अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे रख सकते हैं। दूध कैल्शियम का एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन दूध आजकल मिलता नहीं है असली, उसमें एडल्ट्रेशन है, दूध में या तो पाउडर मिल्क है, या तो पानी मिला हुआ है, या कुछ और मिला हुआ है, कई बार तो ये भी सुनते हैं कि यूरिया भी मिला हुआ है। ऐसे दूध से तो आपकी सेहत नहीं बनेगी, उससे क्या होता है कि गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम, या स्टमक के कोई कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप, और कुछ लोग तो दूध पीना ही नहीं चाहते,
तो अगर आप भी उनमें से हैं जो दूध पीना नहीं चाहते हैं या दूध पीने से उनको ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो आज के वीडियो में जो आइटम्स मैं आपको बता रही हूँ वो खाना शुरू कर दो, और वो खाने से आपकी हड्डियां बिल्कुल लोहे जैसी मजबूत हो जाएंगी। आप किसी भी एज तक पहुंचे, 70, 80, 90, 100, लेकिन वहां तक भी आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी और आप इतने लाचार नहीं होंगे कि आप किसी के भरोसे हो जाए। आप अपने काम चलते फिरते खूब आराम से कर पाएंगे। अगर आपको नींद कम आती ना, उसका भी कारण हो सकता है कि आपकी हड्डियों में कैल्शियम कम हो गया है, क्योंकि इससे नींद भी डिस्टर्ब होती है। अगर आपके नाखूनों में सफेद चपके दिखने शुरू हो जाएं, दाने दाने दिखने शुरू हो जाएं, उससे भी पता चलता है कि कैल्शियम कम हो गया। और तुरंत ध्यान देना चाहिए अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है तो। विमेन में तो 40 के बाद या 45 के बाद जब उनका मेनोपॉज और प्री मेनोपॉज होता है, उस टाइम पर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अपने आप ही कम हो जाता है, उसमें कैल्शियम की कमी उनमें अपने आप ही हो जाती है। तो उनको तो हर हालत में कैल्शियम के सप्लीमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि और क्या करें, क्या अपनी डाइट में शामिल करें, कौन कौन सी चीजें शामिल करें ताकि हमें ना तो सप्लीमेंट लेने की जरूरत पड़े, ना हमारी हड्डियां कमजोर हो, ना हमें बदन दर्द, घुटना दर्द ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, ना हम इतने लाचार हों कि हम अपना काम ही नहीं कर सकते। वैसे तो बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा कैल्शियम मिल जाता है, लेकिन आज मैं जिनकी बात करूंगी उनमें मैक्सिमम कैल्शियम मिलता है, उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम मिलता है। तो अगर आप उनको थोड़ी क्वांटिटी में भी खाएंगे तो आपकी डेली नीड जो है कैल्शियम की वो उनसे पूरी होती रहेगी। उसमें सबसे नंबर वन पर आता है, अगर आप दूध को मैं नंबर वन पर रखती हूँ वैसे तो, लेकिन अगर आप दूध नहीं पी सकते, दूध को साइड करिए, तो नंबर वन पर आता है सफेद तिल। मैंने एक वीडियो बनाया था अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे रखें, उसमें तिल की एक रेसिपी दी थी। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं कि तिल कैसे हमारी हड्डियों को, हमारी सेहत को अच्छा रखते हैं। तिल के अंदर दूध से कम 8 से 9 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। अगर हम 100 ग्राम दूध लें और 100 ग्राम जो है ये तिल लें, तो दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो 100 मिलीग्राम दूध में 125 mg कैल्शियम होता है, जबकि 100 ग्राम तिल में मोर देन 900 mg कैल्शियम होता है। तो इनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कैल्शियम के साथ साथ इनमें और भी बहुत सारे मिनरल होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है, मैग्नीज है, ये सब भी होते हैं। ये सारी चीजें मिलके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं, बॉडी के अंदर उसको अच्छे से सिंथेसाइज करती हैं, और बॉडी में वो कहते हैं कि बदन को लगती है फिर वो चीज, तो वो बॉडी जब एब्जॉर्ब करेगी तभी लगेगी, और ये तिल उन सब में आपकी मदद कर सकते हैं। तिल थोड़े गर्मियों में कम खाने चाहिए, गर्मियों में ज्यादा नहीं खाने चाहिए, थोड़ा गर्म होता है ये, लेकिन सर्दियों में तिल और गुड़ बहुत अच्छी चीज है। महाराष्ट्र में तो एक फंक्शन भी होता है जिसमें तिल गुड़ सबको खिलाते हैं ये, क्योंकि हमारे यहाँ एक आयुर्वेद ने बहुत अच्छी चीज बताई कि किस मौसम में क्या खाना है, किस मौसम में क्या कितना खाना है, वो सब उसमें बताया हुआ है। लेकिन आयुर्वेद में ये भी कहा हुआ है कि सर्दी में आप तिल गुड़ खाएं, मजे से खाएं खूब। अगर आप गर्मी में खाना चाहते हैं तो उसकी मात्रा कम कर दें। अगर आप सर्दी में 2 चम्मच खाते हैं तो गर्मी में सिर्फ 1/2 चम्मच खाएं। सिर्फ इतना आपने ध्यान रखना है कि गर्मियों में इसको ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन आप खा सकते हैं इसे। गर्मियों में कैसे खा सकते हैं, आप अपनी चपाती में खा सकते हैं, इसका पाउडर बना लें और 1/2 चम्मच अपने चपाती में डाल के खा सकते हैं, आप अपनी दही में खा सकते हैं, सैलेड के ऊपर डाल के खा सकते हैं, जैसे मर्जी खा सकते हैं। साबुत तिल ऐसे नहीं खाना चाहिए कि 1/2 चम्मच आपने मुंह लिया, उस 1/2 में से आप 1/4 भी नहीं चबा पाओगे, वो ऐसे ही निकल जाएगा सुबह। तो आपने उसका पाउडर बना के यूज करना है ताकि बॉडी को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े उसको एब्सॉर्ब करने के लिए। तिल में एक कंपाउंड होता है सेसमाइन। सेसमाइन घिसी हुई कार्टिलेज को भी रीजेनरेट कर देता है, वो जोड़ों के अंदर वो चिकनाई पैदा कर देता है, जिससे आपके जोड़ों की टकराहट जो है वो कम हो जाती है, जिससे जोड़ आपस में टकराते नहीं है, क्योंकि वो जब कार्टिलेज घिस गई तो जोड़ टकरा रहे हैं, ये कार्टिलेज को रीजेनरेट करेगा, वहां पे चिकनाई पैदा करेगा और जोड़ों की जो मूवमेंट है उसको सही करेगा। तिल के तो आपको, चाहे आप हेल्थ के लिए मान लो, चाहे आप बोन्स के लिए मान लो, जोड़ों के लिए मान लो, तिल के बहुत फायदे हैं। नंबर 2, मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने चूना खाने के क्या क्या लाभ है वो बताया था। आपने राजीव दीक्षित जी को कभी सुना होगा, उन्होंने चूने को बहुत महत्व दिया था। चूना कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, इवन उन्होंने तो ये भी बताया था कि अगर लेडीज चूना खाती हैं तो उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम कभी नहीं होता है, उनको पीरियड्स के टाइम दर्द का प्रॉब्लम कभी नहीं होता है, उनकी हड्डियां कभी खराब नहीं होती हैं। तो चूना इज अ वेरी गुड सप्लीमेंट फॉर
कैल्शियम। लेकिन चूना ज्यादा नहीं खाना है। चूने में दो चीज आपको ध्यान रखनी है, चूना खाने वाला होना चाहिए, ये व्हाइट वॉश वाला नहीं होना चाहिए, खाने वाला होना चाहिए। कहाँ मिलेगा? या तो पान की दुकान पे मिलेगा या आपको ग्रोसरी स्टोर पर भी मिल सकता है। ये तो हो गया कौन सा चूना लेना है, कितना खाना है। आप जब स्टार्ट करते हैं तो गेहूं के दाने जितना खाना है, छोटा सा गेहूं का दाना होता है, सिर्फ उतना चूना खाना है। जब आपको उसकी आदत पड़ जाए तब आप चने के बराबर खा सकते, उससे ज्यादा नहीं खा सकते, उससे ज्यादा नुकसान करेगा, उतना ही खा सकते हैं। उसको डायरेक्ट मुंह पे कभी नहीं रखना चाहिए, टंग में आपके अनइजीनेस हो जाती है। उसको आप पानी में मिला के पी सकते हैं, उसको अगर उसके मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो आप उसको दही में मिला के खा सकते हैं, क्योंकि दही में भी कैल्शियम होगा, चूने में भी कैल्शियम होगा, तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट एकदम से पूरी हो जाएगी। आप उसको अपने पीने के पानी के मटके में डाल के रख दो, वो पानी पी सकते हैं। आप जैसे खाएं, जैसे चाहे लस्सी में मिला के, जैसे चाहे आप ले सकते हैं। ध्यान इतना रखना है कि खाने वाला चूना होना चाहिए, शुरू में एक गेहूं के दाने जितना लेना है और बाद में एक चने के दाने जितना लेना है, उससे ज्यादा एक बार में नहीं लेना। लगातार आप इसको 15 से 20 दिन लेके एक हफ्ते का गैप दे दें और उसके बाद दोबारा से ले लें, बहुत फायदा करेगा। नंबर 3 पर आता है, प्रोटीन और कैल्शियम का एक सोर्स है दालें। दालों से आपको प्रोटीन भी मिलता है, उससे कैल्शियम भी मिलता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन अगर आप एक दाल की बात करते हैं तो वो है हॉर्स ग्राम। हॉर्स ग्राम में मैक्सिमम कैल्शियम होता है। हॉर्स ग्राम जो है वो पकने में बहुत टाइम लगाती है, पकती नहीं है जल्दी से, उसको बहुत तेज ज्यादा पकाना पड़ता है। तो उसको, उसके आप अगर चाट बना के खाते हैं, उसमें हल्का सा प्याज डाल दिया, हल्का सा टमाटर डाल दिया, काला नमक, और चाट बना के खाते हैं, तो देखिए कितना टेस्ट आता है। टेस्ट और हेल्थ दोनों एक साथ मिलती हैं। तो ये, इसको शायद हिंदी में कुल्थी की दाल कहते हैं। कैल्शियम के अमाउंट को अपनी बॉडी में सही रखने के लिए, कि जितनी आपकी हड्डियों को या आप जितनी आपकी बॉडी को चाहिए उतना कैल्शियम आपको मिल रहा है, तो उसके लिए आप मिलेट्स खा सकते हैं। मिलेट्स का तो आजकल वैसे भी बहुत चलन है। मिलेट्स में कौन से मिलेट? रागी। रागी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, और रागी का जब ये बनाते हैं ना कुछ, तो वो उसका कलर बड़ा काला काला सा हो जाता है, तो इसलिए कुछ लोग उस कलर को देख के ही नहीं, हमारे बच्चे भी नहीं खाते कलर देख के, काली रोटी। लेकिन काला रंग देख के या उसका कलर देख के आप उसको ये मत सोचिए कि वो अच्छी नहीं है, वो तो गुणों का भंडार है, सुपर फूड में आता है आजकल, और उसको आप कई तरीके से खा सकते हैं। आप रागी का आटा बना के उसकी चपाती बना सकते हैं, आप रागी का डोसा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, आप उसको अपने आटे में मिला सकते हैं, आप उसको कई तरीके से खा सकते हैं, आप रागी का शीरा भी बना सकते हैं। एक और खास चीज मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों की हाइट छोटी रह जाती है उनको आप रागी खिलाना शुरू करो, रागी की राब बना के खिलाओ, उनकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ेगी। आप खुद खाओ, आपके अंदर कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आपकी हड्डियों में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इस तरीके से रागी को भी खा सकते हैं। एक और भी मिलेट में ही आता है, वो है अमरंथ या चौलाई। चौलाई को आप हरे साग के रूप में खा सकते, चौलाई का आटा बना के अपने आटे में मिला के रोटी बना के खा सकते, किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं। चौलाई भी बहुत अच्छी है। चौलाई का साग आता है, हरा भी आता है, और डार्क मरून से कलर का, लाल से रंग का भी आता है, दोनों ही साग बहुत अच्छे हैं। पालक से कई गुना ज्यादा इनमें मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। तो आप चौलाई का साग खाएं, और चौलाई जो ड्राई चौलाई जिसको अमरंथ भी बोलते हैं, उसको अपने आटे में मिला के भी खा सकते हैं। ये 5 ऐसी चीजें हैं जिनमें कोई भी एक भी चीज महंगी नहीं है। चूना बहुत सस्ता, 10 रुपए का इतना सारा आ जाएगा, महीना भर चलेगा। तिल ज्यादा महंगे नहीं है, आपने इतने ज्यादा भी नहीं खाने कि आपने बहुत ज्यादा कटोरे भर भर के खाने, तो आपको तिल भी बहुत सस्ते मिल गए और बहुत सस्ते में आपका काम हो गया। आप रागी की बात करें, रागी भी बहुत सारे ग्रेन से, इवन जो अच्छे क्वालिटी के चावल वगैरह हैं उनसे बहुत सस्ती है, वो भी आप ले सकते हैं। अमरंथ भी सस्ता है, तो आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा, आपको आसानी से मिल भी जाएगा। इंडिया में ये सारी चीज कहीं भी किसी ग्रोसरी स्टोर से आप ले लो, आपको बहुत आराम से मिल जाएंगी। देखिए, सस्ती सस्ती चीजों से आप अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। हड्डियां मजबूत तो आपके घुटने जोड़ों में दर्द नहीं होगा, आप चलते फिरते रहेंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। आप ये चीजें जब खाते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा है, तो आपको हेल्थ के कोई इश्यूज नहीं होंगे। आपको अर्थराइटिस हुआ, बैक पेन हुआ, शोल्डर पेन हुआ, या किसी भी तरह का पेन हुआ, या इंडाइजेशन का भी प्रॉब्लम है, वो भी इससे ठीक हो जाता है, क्योंकि ये बड़े लाइट आइटम्स हैं आपके पेट पर। तो आप ऐसे लाइट आइटम्स खा खा के अपनी सेहत को बना के रखिए।
अपनी हड्डियों को मजबूत रखिए और मजबूत रहते हुए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।